हेलो, तो आज आप देखने जा रहे हैं वनहा का 3 BHK शो फ्लैट, जिसका कारपेट एरिया रहेगा 1490 से 1497 तक। एंट्रेंस पे मिलेगा आपको ये डोर, जिसका साइज रहेगा 4x8। जब आप आगे एंटर करते हैं तो आपको मिलेगा एंट्रेंस फॉयर, जिसका स्पेस रहेगा 10x4। सो अब हम आ गए हमारे लिविंग एरिया में, जिसका आप स्पेस मिलेगा आपको 12.5 से 15.5 स्क्वायर। तो अभी जो आप ये व्यू देख रहे हैं, ये आपको 7th फ्लोर से मिल रहा है। एंड ये जो हमारा बालकनी है, ये 19 फीट की मिलेगी, जो कि कंबाइंड है एक मास्टर बेडरूम के साथ। ये आपका डाइनिंग एरिया है, जिसका एरिया रहेगा 10.5 से 11.5। तो आपको डाइनिंग एरिया के साथ मिलेगी आपकी ये सेकंड बालकनी, जिसका आपको व्यू मिलेगा हिल फेसिंग। ये रहा आपका एल शेप किचन, जिसका एरिया रहेगा 11x8। और साथ ही में आपको मिलेगी एक ड्राई बालकनी, जिसका एरिया है 8x4। एंड ये भी ऑफकोर्स हिल फेसिंग रहेगा। ये रहा आपका पैसेज, जिसका एरिया रहेगा 12.5 से 4 फीट का। एंड ये फ्लोर टू सीलिंग हाइट रहेगी 10.25 फीट की। इस 3-साइडेड ओपन फ्लैट में ये रहा आपका कॉर्नर विंडो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा आपका किड्स बेडरूम, जिसका एरिया रहेगा 10x13 का। एंड आपको मिलेगी इसके साथ 2 विंडोज, जो एक ओपन होगी गोल्फ कोर्स की तरफ, एंड जो सेकंड रहेगी वो है फुल साइज विंडो, एंड जो ओपन होगी हिल्स की तरफ। इस साइड आ जाएगा आपका वॉकिंग वार्डरोब, जो रहेगा 10 फीट का। एंड इस साइड रहेगा आपका वॉशरूम, जिसकी साइज रहेगी 5.5 से 8 फीट तक की। एंड इसके साथ आपको एक ग्लास पार्टीशन भी मिलेगा। अब आता है हमारा मास्टर बेडरूम, जिसका एरिया रहेगा 11 से 15 फीट का। एंड साथ ही में आपको मिलेगी वुडन फ्लोरिंग, और साथ ही में अटैच बालकनी, जो कि लिविंग से कनेक्टेड है। एंड ये रहा आपका वॉशरूम, जिसका एरिया रहेगा 5.5 से 9 फीट का। एंड साथ में आपको मिलेगा एक ग्लास पार्टीशन कूलर फिटिंग के साथ। एंड ये मिलेगा आपको स्टडी या पूजा रूम, जिसका एरिया रहेगा 5.5x7.5। ये रहा आपका गेस्ट बेडरूम, जिसका एरिया रहेगा 10x13 का। एंड साथ में आपको मिलेगी फुल साइज विंडो। साथ ही में आपको मिलेगा एक वॉकिंग वार्डरोब विथ अटैच्ड वॉशरूम, जिसका एरिया रहेगा 5.5 से 8 फीट।